हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है? यूज़र से वैल्यू लेने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अभी आप जो प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आप टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस या देव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक का यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम को रन करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर मुझे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज़र से लेना है तो मुझे प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा सीएमडी विंडो का यूज़ करते हुए। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए मुझे प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम को रन करने के क्या क्या तरीके हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे फ़ाइल में जाके हमने क्या किया, एक नया फ़ाइल बनाया, न्यू सोर्स फाइल। ठीक है, फ़ाइल में जाके मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली और यहाँ पे एक न्यू फाइल आ गई है। अभी मैंने इसका कुछ नाम नहीं दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम लिख देता हूँ। मैंने हेडर फाइल यूज़ कर ली, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बना दिया, इंटीजर मेन। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ देव सी प्लस प्लस। ठीक है, जो आई डी ई मैं यूज़ कर रहा हूँ वो देव सी प्लस प्लस है। मेन फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दी 0। ठीक है, अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो मुझे नंबर रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैंने 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैंने इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ से मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया हेलो। ठीक है, अब मुझे इसको रन करना है तो एक तो ये तरीका होता है कि जो आई डी ई है उसमें आप पहले कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद क्या करते हो, रन करते हो। तो अगर मैं यहाँ यहाँ से कंपाइल का यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करते समय ये सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको मैं सारे प्रोग्राम्स जो अपने देव सी प्लस प्लस के हैं वो सी ड्राइव के अंदर सेव करता हूँ, देव प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर। आप किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम्स को इस फोल्डर के अंदर सेव करता हूँ, तो मैंने इसको सेव कर दिया dev3.cpp नाम से। ठीक है, कंपाइल तो ये हो गया। अब मुझे रन करना है तो मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेलो मैसेज आ गया। अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो देव सी प्लस प्लस हमें क्या करता है, एक exe फाइल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये हमारी सी प्लस प्लस की फ़ाइल है जहाँ पे ये प्रोग्राम सेव हुआ होगा। रन करने के बाद आप देखेंगे एक exe फाइल भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आप चाहें तो ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे पहले तो हम ये आउटपुट देखते हैं। अभी जो हमारे पास आउटपुट आया वो हेलो लिख के आया और मैसेज आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो हेलो तो हमने लिखा था, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये हमने प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये जो है देव सी प्लस प्लस अपने आप प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने कोई की प्रेस की तो विंडो क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। बट यहाँ पे जो exe फाइल है यहाँ से भी हम प्रोग्राम को डायरेक्टली चला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे दो बार क्लिक करता हूँ, दो बार मैंने क्लिक किया तो एक विंडो मेरे पास आई, लेकिन वो विंडो क्या हो गई, आने के बाद हाइड हो गई। ठीक है, विंडो ओपन तो हो रही है लेकिन विंडो क्लोज़ हो जा रही है, विंडो रुक नहीं पा रही। हेलो आउटपुट आ रहा होगा उस विंडो पे, बट वो हमें डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो विंडो उसी समय क्लोज़ हो जा रही है, हम आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं। तो अब अगर हमने देव सी प्लस प्लस से उसको रन किया था यहाँ से, तब तो क्या हुआ था, देव सी प्लस प्लस ने अपने आप एक हमें लाइन शो कर दी थी, एंटर एनी की। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली रन करेंगे ई एक्स सी को तो वो देव सी प्लस प्लस से रन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए विंडो नहीं रुक रही है, कोई हमें मैसेज नहीं आ रहा है हेलो के बाद। ठीक है, जस्ट हेलो आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही तो हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ है।
तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे विंडो को रोकना है कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए, तो मैं गेट सी एच लगा सकता हूँ। तो गेट सी एच क्या करेगा, स्क्रीन को रोक देगा एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए। अब मैं एक बार पहले इसको रन और कंपाइल कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं हेलो के बाद नीचे वो डायरेक्टली प्रेस एनी की वाला मैसेज नहीं आया, क्योंकि गेट सी एच ने इसको रोक दिया। तो अभी तो मैंने इसको रन किया देव सी प्लस प्लस से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ डायरेक्टली रन करूँ अगर exe फाइल को, तो आप देखेंगे अब ये विंडो रुक गई। अब मैंने इसको देव सी प्लस प्लस से रन नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्टली रन किया है, तो ये हेलो मैसेज आ गया। ठीक है, और की प्रेस करने के बाद गेट सी एच ने क्या किया, की एंटर करने के लिए उस विंडो को रोक दिया था। जैसे ही मैंने कोई की प्रेस की और वो विंडो बंद हो गई। दो ही स्टेटमेंट मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए थे, ठीक है, मतलब मेन के अंदर एक तो प्रिंट एफ था, एक गेट सी एच था, और एक रिटर्न जीरो था। ठीक है, प्रिंट एफ से ये मैसेज आया, गेट सी एच ने स्क्रीन को रोक दिया, मैंने कैरेक्टर एंटर किया और विंडो क्लोज हो गई। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हैं। ठीक है, इसी लोकेशन पे आके जहाँ पे ये प्रोग्राम रखा हुआ है, इसी लोकेशन पे आके मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे cmd, ठीक है, cmd लिखा। फिर अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकेशन आ रही है सी ड्राइव के अंदर यूज़र डेल, लेकिन मैंने जो प्रोग्राम बनाया सी के अंदर देव प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले सी ड्राइव के अंदर चले जाता हूँ, cd स्लेश में लिख देता हूँ, तो सी ड्राइव के अंदर आ गए। ठीक है, अब मुझे जाना है देव प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, DEV प्रोग्राम्स मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, तो इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैंने CD लिखा, DEV प्रोग्राम्स लिखा, तो हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। या फिर हम डायरेक्टली भी आ सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप उसी लोकेशन पे आप आ जाइए जहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, वहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक कीजिए तो ओपन कमांड विंडो हियर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन, कोई सा भी किसी भी तरीके से आप इस लोकेशन पे आप आ जाइए जहाँ पे आपका प्रोग्राम है, और वहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम लिखिए dev3.exe, या फिर dev3 लिखने से भी आ जाएगा। ओके, मैंने dev3 लिखा। ठीक है, जो भी मेरा फाइल का नाम था मैंने लिखा dev3, तो हेलो मैसेज आ गया। ठीक है, या फिर मैं डॉट ई एक्स ई भी इसके आगे लिख सकता था। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को चला देता है। तो अब मैं बात कर रहा था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अगर हमें देना है, मतलब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से क्या होगा, यूज़र से हम इनपुट लेंगे। अब यूज़र से इनपुट लेंगे तो वो हम ले सकते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में। अगर मुझे इनपुट लेना है तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम इनपुट लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने फाइल को चलाया, इसी के आगे मैं इस तरीके से लिखूँगा 4, 5, 6। ठीक है, मैंने तीन वैल्यू दे दी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने लिखा dev3.exe, जो मेरी फाइल का नाम है, उसके बाद 4, 5, 6। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि मैंने फाइल का नाम, उसके बाद तीन नंबर मैंने दिए हैं। ठीक है, तीन वैल्यू दी हैं, बट ये टोटल चार वैल्यू हैं। एक तो क्या है, फाइल का नाम भी है, उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है अपनी फाइल का नाम, दूसरा है 4, तीसरा है 5, फिर है 6, फिर मैंने चाहो तो कोई स्ट्रिंग दे दिया ABC। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, बट ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमें रिसीव करने पड़ेंगे। अभी अगर मैं इस तरीके से दूंगा तो यहाँ पे तो कुछ वर्क नहीं हुआ, जस्ट हेलो आ गया। ठीक है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे इनको रिसीव भी करना पड़ेगा। तो ये जो मेन फंक्शन है, इसमें मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर argc, मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं आर्ग्यूमेंट काउंट argc। ठीक है, ये क्या करता है, काउंट रखता है कि कितने आपने आर्ग्यूमेंट दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dev3.exe 4, 5, 6 ABC, तो एक तो फाइल का नाम हो गया, वो तो हम देते ही हैं, तो मतलब पहला आर्ग्यूमेंट तो हमेशा फाइल का नाम होता है। उसके बाद मैंने 4, 5, 6 और ABC लिखा है, तो ये तीन नंबर और एक स्ट्रिंग ABC, तो ये 4, 5 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हैं। ठीक
ठीक है, तो ARGC के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हमने दी हैं 4, 5, 6 और ABC, वो भी तो हमें रिसीव करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, एक मैंने कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ बना दिया, CHAR स्टार लगा दिया, ARGV और ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया, कैरेक्टर पॉइंटर का एरे। अब क्या होता है, जो हमने 4, 5, 6 लिखा था और ABC लिखा था, तो वो हमने नंबर तो लिखा था, 4, 5, 6 क्या था, नंबर्स थे, और ABC क्या था, स्ट्रिंग था। बट भले ही हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में नंबर देते हैं, लेकिन वो एंटर होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, भले ही आप नंबर लिखो या पॉइंट वाली वैल्यू लिखो, वो सब स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट होगा। ठीक है, अब उनको पॉइंट करने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे एरे बना दिया पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स का एरे मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग को ये पॉइंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले पहली स्ट्रिंग को पॉइंट किया जाएगा, फिर दूसरी स्ट्रिंग को, तीसरी स्ट्रिंग को, तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स को पॉइंट करना है जितने हम आर्गुमेंट पास करेंगे। तो ये क्या है, एक एरे है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ये पॉइंट कर सकता है। पहली स्ट्रिंग्स को जो पॉइंट किया जाएगा, तो पहली स्ट्रिंग को पॉइंट किया जाएगा, तो उसको फैच करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ARGV 0। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा ARGV 0, पहली स्ट्रिंग क्या थी, पहली स्ट्रिंग थी फाइल का नाम। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट तो रन नहीं करना है मुझे, CMD से रन करना है। ठीक है, मैंने लिखा Dev3, फिर मैंने लिखा ABC 4 5, है ना, तो ये Dev3.exe मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी हमारी फाइल का नाम है। ठीक है, तो पहली स्ट्रिंग तो फाइल का नाम है। अब इसको अगर मुझे फेच करना है यहाँ पे प्रोग्राम में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब इसको जो पॉइंट करेगा वो पहला पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, तो पहला पॉइंटर एरे में कहाँ रहेगा, 0 इंडेक्स पे, है ना, 0 इंडेक्स पे क्या होगा, पहला एड्रेस रहेगा, पहली स्ट्रिंग का एड्रेस। ठीक है, इसी तरह दूसरे स्ट्रिंग का एड्रेस ARGV 1 पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को फेच करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा %S, ARGV 0। ठीक है, अब 0 इंडेक्स पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, जो फाइल का नाम रहेगा, क्योंकि पहली वैल्यू तो फाइल का नाम होती है। ठीक है, अब पहले मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, तो अभी यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको रन करके देखता हूँ, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आर्ग्यूमेंट एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देव सी प्लस प्लस से जब मैं इसको रन करूँगा, तो मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे वैल्यू देना है, तो मुझे यहाँ से उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने CMD विंडो का यूज़ करते हुए रन किया, और मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दी, 4 और 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, dev3.exe, जो फाइल का नाम था वो दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे printf से उसको प्रिंट करवाया। स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए आप %S लिखते हैं। ठीक है, ये एड्रेस बता दिया, यहाँ से स्ट्रिंग को लेना है, और %S लिखने से वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, ठीक है, पहले मुझे इसको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने CMD विंडो को भी ओपन किया हुआ है, तो मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, क्योंकि दो फाइल से एक साथ ओपन किया हुआ है। तो अब मैं चलाता हूँ, अगर इससे dev3.exe से मैंने रन किया, ओके, ठीक है, बट dev3
देव सी प्लस प्लस से अगर मैंने रन किया इसको तो यहाँ पे दिखा रहा है नल, ठीक है, क्योंकि हम कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे जीरो लिखा था तो आप देख रहे थे देव सी प्लस प्लस, ठीक है, ARGV जीरो मैंने लिखा, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने। अब आप देख रहे हैं अगर मैं रन कर रहा हूँ तो उसकी लोकेशन आपको दिख रही है, सी कॉलन देव प्रोग्राम्स DEV3.exe नाम की मेरी फाइल थी। अब ARGV जीरो पे क्या है, ये पूरी लोकेशन है ना, अकेला नाम नहीं है उस फाइल का, पूरा लोकेशन होता है उसका, ठीक है। बट जब मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ तो वन पे क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे नल आ रहा है। तो वन इंडेक्स पे मैं कैसे मुझे वैल्यू मिलेगी, कैसे मुझे कोई स्ट्रिंग वहाँ पे मिलेगी, तो मुझे इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना पड़ेगा। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर दिया और उस लोकेशन पे आपको जाना है जहाँ पे प्रोग्राम आपने बनाया है, फिर आपको फाइल का नाम लिखना है देव 3.exe, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो लिखा और एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे हेलो आ गया मैसेज यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने ARGV 1 लिखा है और वन पे क्या है, ये हेलो मैसेज आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं मल्टीपल स्ट्रिंग देता हूँ, चार पांच मैंने स्ट्रिंग दे दी, ठीक है, चार पांच स्ट्रिंग मैंने दे दी, तो कैसे मैं सारी स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा सकता हूँ, मुझे लूप का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ ARGC का भी हम यूज़ देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का काउंट होता है, कितने आर्ग्यूमेंट आपने दिए हैं। अब ये तो इंटीजर के फॉर्म में रहेगा तो %D लिख देंगे। पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मुझे कंपाइल करते समय इधर ना आए ARGC, और ये कोई एरे तो है नहीं तो मुझे बस इसका नाम लिखना है। इसमें क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट का काउंट रहेगा। अब मैंने कंपाइल किया इसको तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है नल ARGV। अब मैंने इसको देव सी प्लस प्लस से रन किया तो ये लिखा हुआ है नल, मतलब जो है ARGV 1 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बट एक वैल्यू तो होती ही है ARGV 0 में। ARGV 0 पे एक एड्रेस मिलेगा, एक स्ट्रिंग का क्या मिलेगा, जो फाइल का नाम होता है, फाइल का जो लोकेशन होता है वो मिलता है। तो ARGC से आर्ग्यूमेंट काउंट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, और यहाँ तो मैं मल्टीपल इनपुट भी दे सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट में दे दिया 2, 3, 5, तो ये स्पेस से आप सेपरेट करते हैं। देव 3.exe एक आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर स्पेस दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट स्पेस, तीसरा आर्ग्यूमेंट स्पेस, फोर्थ आर्ग्यूमेंट, तो ये बहुत सारे आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, 3, 4, 5, लेकिन ये सारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हैं, ठीक है। अब आप देखना हेलो आ गया, हेलो क्यों आया, क्योंकि मैंने ARGV 1 को प्रिंट करवाया है और पहला आर्ग्यूमेंट मैंने क्या दिया था ARGV 1 पे, क्या है, हेलो, ठीक है। ARGV 1 पे जो एड्रेस मिलेगा पॉइंटर को वो हेलो का एड्रेस मिलेगा सेकंड स्ट्रिंग का। फिर 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं वो काउंट कहाँ पे होता है, ARGC में होता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ सारी स्ट्रिंग्स जितनी भी मैं पास करूँ वो सारी मुझे प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, पहले तो यहाँ मैसेज दे देता हूँ टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स %D, स्लेशन लगा दिया न्यू लाइन के लिए, ठीक है। ये तो मैं प्रिंट करवाऊँगा कि कितने आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं। और अब ये ARGV 0, 1 एक एक करके लिखने से अच्छा मैं एक लूप लगा देता हूँ, और ये लूप जो है एक वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, आई को स्टार्ट कर दिया मैंने 0 से, क्योंकि ये क्या है, एक एरे है, पहला जो स्ट्रिंग रहेगा, पहले स्ट्रिंग का जो एड्रेस रहेगा वो इस एरे के अंदर 0th इंडेक्स पे रहेगा, तो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं 0 से इसको चालू करूँगा। और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी आई स्मॉलर देन, जितने आर्ग्यूमेंट होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, तो वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें कैसे पता चलेंगे, ARGC से पता चल जाएंगे,
मैंने सेमी कॉलन लगाया और आई को प्लस कर देगा। ठीक है, तीन आर्ग्यूमेंट होंगे तो ए आर जी सी में 3 आ जाएगा। अभी 5 आर्ग्यूमेंट दिए थे तो आप देख रहे थे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 5। लेकिन मुझे जो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है उससे कम तक चलाना है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार यहाँ से रन करता हूँ ताकि मेरी ई एक्स ई फाइल फिर से प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा देव 3.exe हेलो 235 लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। अब लेकिन ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम ये हो रही है, बार बार हेलो आ गया, हेलो 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 हेलो। ठीक है, 4-5 बार ये हेलो आ गया, 5 बार आया होगा एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ पे argv1 लिखा हुआ है। तो मुझे इसको क्या लिखना चाहिए, आई लिखना चाहिए। आई की वैल्यू शुरू में 0 होगी तो पहली स्ट्रिंग का जो एड्रेस होगा वो रहेगा argv0 पे, तो वो आ जाएगा। फिर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया argv1 से हमें मिल जाएगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट argv3 से मिल जाएगा, तो आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहाँ से कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल किया, रन किया, और साथ ही साथ मुझे वैसे स्लेशन पहले लगा लेना चाहिए ताकि न्यू लाइन आ जाए। एक स्लेशन भी हम लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट से चलाते हैं तो आप देखेंगे जो 5 आर्ग्यूमेंट हमने दिए हैं, फाइल का नाम हेलो 235, तो वो 1 बाय 1 एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं क्योंकि स्लेशन हमने लगाया हुआ है। लूप यूज़ किया तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है कि बाद में, और नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, मैं अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज करता हूँ यहाँ पे, 5 के बाद मैंने फिर से कुछ लिख दिया एक्स वाई जेड एलेमेन 8, तो ये 8 आर्ग्यूमेंट हैं। ये लास्ट वाला नंबर नहीं आ रहा, आप ये कन्फ्यूज़ मत होना कि लास्ट नंबर मैंने 8 लिखा है तो 8 आ रहा है। 7 भी लिख सकता था मैं, या 78 भी लिख सकता था, या 76 भी लिख सकता था, लेकिन वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है 8 आर्ग्यूमेंट हैं, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए थे लूप लगा के वो सारे हमने प्रिंट करवा लिए। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को सीएमडी विंडो से रन कर सकते हैं। जो ईएक्सई फाइल प्रोड्यूस हुई है उसको आप सीएमडी विंडो से रन कीजिए और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कीजिए। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो हम पास करते हैं उसका कुछ ऐसे बस प्रिंट करवाएंगे या उसका कुछ यूज़ भी कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी हम पास करते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, तो अगर मैं उसको इंटीजर के फॉर्म में यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कैसे मैं उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, वो भी मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, ए कोमा बी। ठीक है, अब मैं 2 वैल्यू पास करूंगा, 2 नंबर अगर मैं पास करूंगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो नंबर मैं ए और बी के अंदर रिसीव करूँ। अब पहली वैल्यू तो argv0 पे हमें जो मिलेगी वो तो क्या रहेगा, फाइल का नाम रहेगा, तो मुझे फाइल का नाम यूज़ नहीं करना है, तो मैंने लिखा argv0, 0 नहीं 1 लिखा। जो 1 इंडेक्स पे हमें स्ट्रिंग मिलेगी उसको मैं ए के अंदर रिसीव करूँगा, और 2 इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग मिलेगी उसको मैं बी के अंदर रिसीव करूँगा। एक्चुअली मुझे एडिशन करना है 2 नंबर्स का, बट ये जो हम पास करेंगे, अगर नंबर भी हम पास करेंगे यहाँ पे, अगर मान लो मैं एडिशन करना चाहता हूँ तो मैं इसको रन करते समय 2 नंबर पास करूँगा, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे। तो ये नंबर जो मैं पास करूँगा, ठीक है, ये जो नंबर मैं पास करूँगा 2 3, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 3 लिखा है मैंने, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा। तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा तो मैं इंटीजर में उसको असाइन नहीं कर पाऊँगा। जैसे मैं अगर ट्राई करता हूँ इसको, मैंने लिखा सम इज़
मैंने ए और बी को ऐड कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ ठीक है, मैंने इसको रन की कंपाइल किया तो आप देख रहे हैं मैसेज आ गया, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कैरेक्टर पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, तो ये इनवैलिड कन्वर्जन हो रहा है, आप कैरेक्टर पॉइंटर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे इस ये जो मैंने नंबर पास किया है मुझे उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ATOI, इसका मतलब होता है आस्की टू इंटीजर। ठीक है, अब वो जो नंबर मैंने लिया है 5 वगैरह, वो क्या है आस्की वैल्यू, उसको कंसीडर किया जाएगा, हर कैरेक्टर के पीछे आस्की वैल्यू होती है। तो उसको मैं इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ATOI लिखूँगा, ठीक है, आस्की टू इंटीजर। तो इस मेथड का यूज़ करते हुए आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं बट इससे वर्क हो जाएगा। अब मैं अगर करूँगा इसको रन तो आई थिंक अभी कुछ प्रॉब्लम आ भी सकती है, तो एक बार मैं रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने रन किया, अब ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है, जो ATOI मैंने यूज़ किया है उसको मैंने बनाया खुद तो है नहीं, ये क्या है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन है तो मुझे ये जिसके अंदर अवेलेबल है वो हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, तो एक और हेडर फाइल मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा और वो रहेगी stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ कंपाइल करने के बाद, तो सम कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि अभी तो हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है ना, मैंने कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, और मैं देव सी प्लस प्लस का यूज़ करते हुए मैं दे भी नहीं पाऊँगा, तो मुझे CMD से इसको रन करना पड़ेगा। तो ये मैंने CMD विंडो यहाँ ओपन करके रखी है और मैंने दो वैल्यू यहाँ दी है 2 और 3, तो आप देख रहे हैं सम कितना आ गया, 5 आ गया। मैं कोई दूसरी वैल्यू पास करता हूँ, मैंने लिखा 5 और 7, तो सम कितना आ गया, 12 आ गया। सो फ्रेंड्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। सो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।